ये मैंने सिर्फ सुना हुआ था, ये मैं देख पहली दफा रहा हूँ। घर ये गाय जो है ना, ये कोई बाहर का बंदा आता है, स्ट्रेंजर, तो डरती है और ये दूध नहीं निकालने देती। तो ये कैमरा मैंने बच्चे को पकड़ा दिया और ये वीडियो बना रहा है। ये सामने रोड है, ये इस तरफ ये चला जाता है, ये सारा आगे सिटी एरिया है, आबादी है सारी इस तरफ। और ये जो रोड जा रहा है ये सीधा आगे डीप डेजर्ट की तरफ चला जाता है, आगे चनन पीर और इस तरह से काफ़ी सारे एरियाज हैं, टोबे भी हैं। दोनों टाइम दिंदी दूध? हां मैं दूध दे। कितना के दिंदी है? बस 1.5-2 किलो होसे। मैं यही हो। ते फिर दही बनांदे हो कोई नहीं? मैं दही सी बना के। अच्छा बस ठीक है। या घर दा चाशा बन गई वे। अच्छा बन। पापा ने दादा कपड़े दिए। कंडे मुंडे बन के साड़ लिया। ये सामने खजूर भी लगी हुई है, अभी खजूरें इन्होंने हार्वेस्ट की हैं। बड़ा ग्रीन एरिया है। इतना साकोरा ने अभी ठीक है 20 साल। 20 साल इतने बैठे जे? हां कितने किले ने? एक 5 बीघे। 5 बीघे ने 2.5 एकड़। हां 2.5 एकड़ है। ये गाइस एक यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है कि बैंगन को इस तरह से आग में फेंकते हैं, फिर उसका भरता बनता है। अब मुझे आगे का प्रोसेस नहीं पता, वो जैसे जैसे ही हवा बनाएंगी आप देख लीजिएगा। कुछ फूड का तो मुझे पता होता है कि अब ये होगा ये होगा, लेकिन इसका बिल्कुल नहीं पता। अच्छा गाइज अभी बारिश हो के हटी है, कल भी काफ़ी बारिश हुई है, तो अभी बड़ी प्यारी हवा चल रही है और सराउंडिंग में ये ग्रीनरी है और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे ना माहौल बना हुआ है। और आसपास जितने भी ये बर्ड हैं यहाँ पे, उन सब की देखें कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं। ये बर्ड्स मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं। इनकी आवाज़ें देखें कितनी प्यारी हैं। चाचा मैं चलावा? नहीं जरा देखते, मैं देखा चलानी भी आती कि नहीं। नहीं छोड़ो तो सही है। कौन ये कह दो मैं ट्राई करने लगा। एक हाथ से सही है, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है।
मैं ऐसे ही जिम जाता रहूं, ये डेली चाचा के पास आऊं, इसका काम भी आसान हो जाए और मेरी एक्सरसाइज भी हो जाए। ये देखें गाइस, ये इस तरह से ऊपर इसकी स्किन जल जाती है और अंदर से ये उसका गुद्दा जो है ना वो निकलता है, फिर इसको लग से जो है ना वो उसके अंदर कुक किया जाता है। ये मैंने सिर्फ सुना हुआ था, ये मैं देख पहली दफा रहा हूँ आज। हाँ मेरे को पता है कितने के इलाके में ना इतने ज्यादा खाते ने भरता बनाते। कि ये बच्चे ना मसला की है, मसला यार कोई पता लगता कोई दिमाग की है, अल्लाह जाने कोई आते दिमाग की है, कोई आते नहीं साहब है, कोई समझ नहीं आ रही। बढ़िया दवाई एमरजेंसी से मैं महीना बैठा, उन्हें आके दिमाग की सही है, मशीन लवाए दिमाग आ जा। अच्छा वो भी ठीक है? वो है ठीक है, त्रै बच्चे हैं बस। अच्छा निका क्या ही हैं त्रै? ठीक है, और शादियाँ हो गई? शादियाँ हो गया बस। यानी हूँ घर जो है तुम हो घर वाली? जी जी हाँ। तो दो बच्चे? दो बच्चे। ठीक है, जगह अपनी है? जा जा जगह अपनी। जमीन केड़ी है अपनी? ये भी गांव अपना है, गांव ला दिते न, भेड़ा ला दिते न, सारा माल ला दिते, कोई बचा भी ठीक नहीं दिया। अच्छा। माल मेरे को 50-60 बार हुआ, सारा वे छोटा थे ना गई हन को व्यारा खान वे छोटा थे, अजो बच्चा ठीक नहीं होया। सो गाइस, ये बच्चा ये मेंटली थोड़ा अपसेट है, ठीक है, इसी तरह से सारा दिन रहता है। और ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि मैंने कोई 50-60 इनके जानवर थे वो भी बेच के ऊपर लगा दिए लेकिन सेट नहीं हुआ। तो ये कंडीशन है, अगर कोई मेरा व्यूअर ये वीडियो देख रहा हो और उसको पता हो कि ये कोई डॉक्टर इस तरह के पेशेंट जो है ना वो सेट कर सकता है कि उस बच्चे को देखें अपना भी कोई पता नहीं है, तो वो लाजमी मुझे कमेंट कीजिएगा या इंस्टाग्राम पर बताइएगा, हो सकता है कोई अच्छा डॉक्टर हो किसी का भला हो जाए। ये देखें इस तरह से हो गया, ये एक कमरा कदे वास्ते बनाया, वो सर्दियों नु आग उग बालन जी जी सही है ये टेक्सचर बन गया इसका। ये मैं चूल्हे पे भी बन सकता है सिलेंडर पे? अच्छा तो गाइस अगर ये रेसिपी बनानी हो तो आपको फिर थोड़ी सी लकड़ी अरेंज करनी पड़ेगी घर में। तंदूर बड़ा छोटा जा बिच हाथ चला जाता हमारे बच्चे का।
इस साइड से बादल आने शुरू हो गए, ये वेस्ट साइड है ये वाले। तो कल भी अच्छी खासी बारिश हुई है, कल तो बड़ा प्यारा सीन था बारिश का। तो भाई ये लकड़ी भी ये वहाँ से कलेक्ट करके लाते हैं, डेजर्ट से बड़े दूर दूर इनको जाना पड़ता है। एक हो गए, एक हो गए। गाइस अभी लकड़ी गीली भी थी लेकिन ये देखें इसको तो ऐसे जैसे आयल लगा उसे, अरे तेल वाली लकड़ लग दी भाई मैनू। तेने को है दी फोर जी जी के गरम थी या तो को फा ला कोई नहीं तो आज आग वाले जाना के ला तो फिर ये तैयार हो गया जी यहाँ का बैंगन का भरता, और इसकी खुशबू उसमें सारा वो स्मोकी एक वो आ रहा है। तो ये आ गई जी तंदूरी रोटी, लकड़ी के ऊपर जो कुकिंग होती है उसका टेस्ट जो है जो हम गैस पे करते हैं वो डिफरेंट होता है काफ़ी सारा। यकीन करें मज़ा आ गया। दो हाँ ये फिर हमारी दूसरी दही नहीं बनाओगे? नहीं 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 बने सुन। बस काफी है। बस कहीं नहीं तो फिर किसी ना तो दही ना खा के था। अच्छा। या थैंकर। मर्जी कोई आवे ना कगदो जिंदे वाले भला आए वे चिले वाले अगे टीम वाले टीम आई रे साथ में Thank you.
ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਿੰਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿੰਡੇ ਸਾਂ ਬਹਾਂ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਟਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਤੂਰਿਆ ਵਾਇ ਮੋ ਵਿਆ ਤੂਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਿਆ ਹੋ ਜਾ ਤੋਰੀਆਂ ਕੱਦੂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਰੂੜੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਹਾਂ ਰੂੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੇਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰਨੀ ये ताज़ा दूध जो अभी अम्मा ने थोड़ी देर पहले जो ना वो ये मिल्किंग की थी और ये उसकी चाय है। ये देखें अभी इसके ऊपर बलाई आ भी गई है। जो सिटी से लेते हैं वो बलाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि ऑलरेडी फैट उसमें से रिमूव हो चुकी होती है। सूरज ग्रूप हो गया, अभी शाम होने वाली है, अभी हम भी निकलते हैं।